बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2022 में 486 अंक लाकर बिहार के सेकंड टॉपर बने मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के विवेक कुमार ठाकुर को शुक्रवार को होटल चंद्रा पैलेस मधुबनी में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सम्मानित किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री लेसी सिंह, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, जल संसाधन मंत्री संजय झा, सांसद दिनेश चंद्र यादव, सांसद रामप्रीत मंडल सहित कई वरीय जनप्रतिनिधियों ने विवेक को पाग, दुपट्टा, माला व मेडल देकर सम्मान कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विवेक ठाकुर को बिहार बोर्ड के नियम के अनुसार लैपटॉप भी प्रदान किया, साथ ही आगे नियमानुसार मिलने वाले नगद राशि की भी घोषणा की। इस अवसर पर विवेक के साथ आए उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। देखिए इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है। मंत्री श्री संजय झा जी हमारे साथ क्या करते हमारे सभी साथी विधायकगण, जो विभिन्न पार्टियों के अधिकारीगण हैं, यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों और मीडिया के साथ, आप सबने देखा कि हम लोग अभी बिल्कुल ही एक अनौपचारिक गैर राजनीतिक, ये सिर्फ समाज और शिक्षा के सम्मान में एक छोटे से कार्यक्रम के आयोजन में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इस समाज का लड़का जो होनहार है विवेक ठाकुर, जिस ढंग से यहाँ मधुबनी में रह के पढ़ाई करके और पूरे बिहार में जो उच्चतम स्थान है उसमें अपनी जगह बनाई है, इसलिए ऐसे होनहार बच्चे को सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज सामूहिक रूप से हम लोगों ने इनको सम्मानित किया। और ये इसलिए किया, ये हमेशा याद रखें कि जो सफल होते हैं उन बच्चों को सम्मानित करने के पीछे भी एक मकसद होता है, और खास तौर से आप मीडिया के साथियों की उसमें बड़ी भूमिका होती है। आज आपके माध्यम से आज का यह समाचार जब पूरे मधुबनी जिला के लोगों में दूर देहात तक पहुंचेगा कि एक अपने बीच का लड़का जिसने अच्छी मेहनत की, अच्छा नतीजा लाया, मैट्रिक परीक्षा हो, उसको इतने लोग पहुंच के सम्मानित करते हैं या किए, ये स्वाभाविक रूप से दूसरे भी छात्रों को प्रोत्साहित करता है, उनके मन में भी प्रेरणा जगती है। जो सफल छात्रों को सम्मानित करने का मकसद यही होता है।